स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली पहली फर्स्ट जो संख्या पद्धति है जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में ज्ञात किया गया है, तो अब इसमें हमें सबसे पहले इसकी कुछ परिभाषा और सूत्र दे रखे या नियम दे रखे तो उनको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर प्रश्नावली को आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें नंबर एक प्राकृत संख्या, ठीक है ना, ये नंबर एक है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं की गणना, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिन संख्याओं की गणना, सबसे पहले लिख देते हैं यहां पे, जिन संख्याओं की गणना एक से लेकर अनंत, तक होती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। दोबारा देखो कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं की गणना एक से लेकर अनंत तक होती है उन्हें प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन्हें एन द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे यहां पर उदाहरण दे देता हूं, जैसे एन बराबर यहां पर मजला कोष्टक, तो इसकी मैं वो बना देता हूं प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बना देता हूं, तो एन बराबर एक दो तीन चार और डॉट डॉट और यहाँ पर मजला कोष्टक में बंद। तो ये है अपने पास में सबसे पहली जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। दोबारा देख लेते हैं, प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं की गणना एक से लेकर अनंत तक होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिन्हें एन द्वारा व्यक्त करते हैं। एन का मतलब है नेचुरल संख्या, तो नेचुरल में एन पहला अंक जो आता है वो एन आता है, तो एन द्वारा इसको हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे एन बराबर एक दो तीन चार और डॉट डॉट कहाँ तक है, अनंत तक। तो ये अपने पास में पहली संख्या थी प्राकृत संख्या। अब है नंबर दो पूर्ण संख्या। नंबर दो में क्या आता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा लेते हैं कि जिन संख्याओं की गणना जीरो से लेकर अनंत तक होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जिन्हें W का मतलब होता है होल, यानी पूर्ण संख्या होती है होल नंबर। अब होल में W से प्रारंभ होता है, तो उसमें यानी कि जिन्हें हम W से व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे W बराबर यहाँ पे मजला कोष्टक, तो जीरो एक दो
तीन चार और आगे कहाँ तक, अनंत तक, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, अनंत तक। तो नंबर दो में था अपना पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या जिन संख्याओं की गणना जीरो से लेकर अनंत तक होती है, जीरो से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिन्हें W से व्यक्त करते हैं। और W का अर्थ मैंने बताया था, यानी कि पूर्ण संख्या का जो अर्थ होता है वो है होल नंबर। अब होल में W से स्टार्ट होता है, तो इन्हें हम W से ही व्यक्त करते हैं। तो W में यानी इसका समुच्चय जो बनता है वो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट और कहाँ तक होता है, अनंत तक। तो अपने पास में दो प्रकार की संख्याएं हो गई, नंबर एक है प्राकृतिक संख्या, नंबर दो है पूर्ण संख्या। अब हम आगे चलते हैं, अब नंबर आगे चलने के लिए, अब देखो आगे नंबर तीन चलता है उसमें पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नंबर दो में चलता है पूर्णांक संख्या। जो जैलेन नंबर होती है जिनको हम जेड से व्यक्त करते हैं, यानी कि वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं की जो परिभाषा होती है, ऐसी संख्याएं जिनकी गणना, यानी कि धनात्मक संख्या भी होती है जिनमें और ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, यानी पूर्णांक संख्या भी होती हैं जिनमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक जो सभी संख्याएं, अब पूर्णांक का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा है, जिन संख्याओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। दोबारा परिभाषा कि पूर्णांक संख्याएं जिनको होल नंबर बोलते हैं, यानी कि वो कह रहा है कि जिन संख्याओं में धनात्मक यानी कि जीरो से लेकर इधर की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक, और जीरो के बाद में इधर की संख्याएं -1, -2, -3 और इधर अनंत तक की जो संख्याएं, यानी इन सभी संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो जिन संख्याओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इन्हें हम जेड द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जेड, जेड का मतलब होता है जह, इनका जो जेड का मतलब होता है वो होता है जहलिन, यानी पूर्णांक संख्याओं की जो पूर्णांक संख्या है उनको हम जैलिन नंबर बोलते हैं। अब जैलिन में जेड से व्यक्त करते हैं, तो जेड बराबर इसमें मजला कोष्टक, इधर से डॉट डॉट, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट और इधर भी मजला कोष्टक। तो कहने का मतलब है कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन्हें हम जेड यानी जैलिन शब्द से व्यक्त करते हैं। तो जेड जैलिन में जेड शब्द आता है नंबर वन में, तो उसमें जेड बराबर क्या होता है, मजला कोष्टक डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक इस तरीका से। तो कहने का मतलब जिन संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह होता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को जेड से व्यक्त करते हैं, जेड इसलिए व्यक्त करते हैं कि जेड का जैलिन एक शब्द होता है जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैलिन का जो पहला अक्षर होता है वो जेड होता है, इसलिए इन्हें जेड से व्यक्त करते हैं।
तो इस तरीका से अपने पास में तीन परिभाषा हो गई, नंबर एक प्राकृत संख्या, नंबर दो पूर्ण संख्या, नंबर तीन पूर्णांक संख्या। तो कभी कभी इनमें और आएगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और इनमें पूर्णांक संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है, तो एक से लेकर अनंत तक, तो इसमें है एक से लेकर अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याएं, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें पूर्ण संख्याओं में जीरो एक अतिरिक्त अंक है। तो इसी तरीका से आगे कि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं सत्य, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं सत्य है, यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये वाक्य भी सत्य है, परंतु पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृत संख्या हो सकती हैं ना पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये अपने पास में तीन परिभाषाएं, नंबर एक प्राकृतिक संख्या, नंबर दो पूर्ण संख्या, नंबर तीन पूर्णांक संख्या। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, नंबर चार में चलते हैं। अब हम तो नंबर चार में चलता है, अब अपने पास में यहां से आगे हम देखते हैं कि उसमें आता है परिमेय संख्या। क्या आता है अपने पास में अगली संख्या? परिमेय संख्या। नंबर चार में, नंबर चार में लेते हैं हम परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा शायद मेरे हिसाब से छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, शायद सातवीं आठवीं में भी है और ये नवी में भी दे रखे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और पी व क्यू परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को पी व क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और पी व क्यू पूर्णांक हो, पी व क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, पी व क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखो दोबारा से, जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में, किसके रूप में? पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और पी व क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जो उसमें हर संख्या है उसका मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे अब इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 3/5, 4/7, 0/2 आदि संख्या, ये हो सकती है परिमेय संख्या। परंतु अगर जीरो ऊपर तो आ सकती है, जीरो ऊपर आ सकती है परंतु जीरो नीचे, यानी हर में संख्या जीरो नहीं आएगी। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब तक अपने पास में तीन चार परिभाषा थी, नंबर एक में प्राकृतिक संख्या, नंबर दो में पूर्ण संख्या, नंबर तीन पूर्णांक संख्या और नंबर चार है अपने का है परिमेय संख्या। तो इनकी जो मैंने परिभाषा थी वो तुम्हारे सामने रख दी है। तो ये सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद में अब आगे हम प्रश्नावली में आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 1.1। तो सबसे पहले ये कह रहा है एक पॉइंट एक प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है उसमें,
प्रश्नावली अपनी चालू हो गई है 1.1, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांकों और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हल फर्स्ट, पहले क्वेश्चन का जवाब देना है हमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाँ, क्या लिख दिया हमने, हाँ हाँ शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या। फिर आगे कह रहा है क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ शून्य को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आदि, ठीक है ना। तो पहला सवाल, सवाल में क्या जवाब पूछ रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने जवाब दे दिया हाँ। फिर आगे क्या है कि ये कह रहा है कि इसको शून्य को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने कह दिया कि शून्य को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आदि, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, जहां दे रखा है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो किसी भी संख्या के नीचे हर में यानी कि जीरो नहीं है, केवल अंश में जीरो है, केवल किस में, अंश में जीरो है। तो फिर दोबारा से पहला सवाल पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब हमने क्या दिया था, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं कि जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आदि, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये पहले सवाल का आंसर हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यदि है तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा चल रहा है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, क्वेश्चन नंबर है दूसरा कि 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, किस किस के बीच में ज्ञात करनी है, 3 और 4 के बीच, यानी 3 से बड़ी आनी चाहिए और 4 से छोटी आनी चाहिए, इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याओं के बारे में ज्ञात करना है, कि 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ये हल चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि हमें कितनी ज्ञात करनी है, 6, ये ध्यान रखना है, हमें परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है, 6, कौन कौन के बीच में, 3 व 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, किस किस के बीच में, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अपने पास में 6 है, तो हमें क्या करना है, 6 में 1 अधिक लेना है, बराबर कितना हो गया, 7, 6+1, यानी जितनी भी ज्ञात दे रखी है हमें 6 ज्ञात करनी है, तो 6+1, 5 ज्ञात करनी है तो 5+1, 4 ज्ञात करनी है तो 4+1, यानी कि जितनी भी हमें इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी कितनी ज्ञात करनी थी, 6, तो 6 में 1 जोड़कर बराबर कितना, 7,
का अंश वह हर में क्या करना है, हमें गुणा करना है। गुणा करने पर 6 + 1 = 7 का अंश व हर में क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो अपने पास में संख्या थी 3/3, हमने मान लिया 1, 3 अंश और 1 क्या है उसका हर, और दूसरी है अपने पास में 4/1। अब इनमें हमें गुणा करना है, कितने का गुणा करना है, 7 का, अंश में भी और हर में भी, ऐसे अंश में भी और हर में भी। तो बराबर यहां पे आ गया 7 * 21 = 7 * 7 = 28 = 7। अब 7 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया, 3, और 7 का इसमें भाग देंगे तो 4, यानी कि अपने पास में 21/7 और 28/7 है। अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किस किस के बीच में, 21/7 और 28/7, 21 से बड़ी और 28 से छोटी, हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 7। तो इनके बीच में हर बच्चा बता सकता है कौन कौन सी है। तो अब यहाँ पे लेना है 21/7 और 28/7 के मध्य संख्या। अब इनके मध्य संख्या कौन से हैं, 21/7 और 28/7 के मध्य संख्या, तो 21 से बड़ी कितनी होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, क्योंकि हमें 21 से बड़ी लेनी है और 28 से छोटी लेनी है। तो अपने पास में देखते हैं कितनी संख्या आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 ही संख्या हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या कितनी हो गई बताओ, नंबर 1 22/7, नंबर 2 23/7, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1 22/7, नंबर 2 23/7, नंबर 3 24/7, नंबर 4 25/7, नंबर 5 26/7, नंबर 6 27/7, ये अपना आंसर। तो एक बार इस सवाल को पुनः देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा था अपने पास में 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। किस किस के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो चूंकि 6 + 1 = कितना है 7, 6 + 1 = कितना है 7 का अंश व हर में गुणा करना है। कहने का मतलब यहाँ पे 6 ज्ञात करनी है हमें, तो 6 में 1 जोड़कर यानी कि 7 का हमें अंश व हर में गुणा करना है। अब अंश और हर देखना है, तो 3/1 लिख लिया और 4/1 लिख लिया, इनमें हमने गुणा किया है 7/7, 7/7 का 7 * 21/7, 7 * 28/7। तो कहने का मतलब है कि 21/7 और 28/7 के मध्य संख्या ये रही अपने पास में, 21 से बड़ी और 28 से छोटी। तो अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी रही अपने पास में, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो एक बार बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम अगला सवाल लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपने पास में अब चल रहा है तीसरा। ये कह रहा है कि तीसरे में 3/5 व 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या। तो बिल्कुल सरल है, अभी जो मैंने बताया था सेम डिटो उसी तरीका से यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि
हमें कितनी ज्ञात करनी है, पांच। कितनी ज्ञात करनी है हमें, पांच परिमेय संख्या। तो पांच में एक जोड़ेंगे हम, तो पांच प्लस एक यानी कि बराबर कितना, छः का हमें अंश व हर में क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पर तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अपने पास में ये संख्याएं, एक तो तीन बटे पाँच और एक है चार बटे पाँच, इसमें हमें गुणा करना है। अब गुणा कितने का करना है, छः बटे छः और छः बटे छः का। तो इधर देखते हैं अपने पास में क्या आता है सामने, ये कंटिन्यूटी के चिन्ह लगा दिए हमने, छिया अठारह बटे पाँच छिक्की तीस, छः चौका चौबीस बटे पाँच छिक्की तीस। अब क्या कह रहा है कि 18 बटे 30 से बड़ा और 24 बटे 30 से हमें छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 18 बटे 30 व 24 बटे 30 के मध्य संख्या। अब इनके मध्य संख्या देखनी है हमें, तो यहाँ 18 तो 19 बटे 30 लेना है हमें, उसके बाद में 20 बटे 30 लेना है और 21 बटे 30 और उसके बाद में 22 बटे 30 और उसके बाद में हमें 23 बटे 30 लेना है, 23 बटे 30। तो ये अपने पास में पांच संख्या आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किस किस के बीच, 3 बटे 5 व 4 बटे 5 के मध्य पांच परिमेय संख्या। अब कौन कौन सी हैं जो हमारे पास सामने आ गई हैं, तो नंबर एक कौन सी, उसमें से 19 बटे 30, 20 बटे 30 और उसके बाद में 21 बटे 30 और 22 बटे 30 और 23 बटे 30। तो सेम जो अभी मैंने बताया था पहला सवाल, सेम इसी प्रकार से ये सवाल है जो इससे पहले बताया था, सेम उसी प्रकार से ये सवाल है। तो दोनों सवालों में कोई भी अंतर नहीं था, तो इस बार एक बार इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, उसको लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में आया है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, कुछ सवाल कुछ दे रखे हैं उसमें और वो सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा है, पर कारण सहित उनका जवाब देना है हमें, सत्य और असत्य कि कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से क्या है अपने पास में असत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का हम पहला ले लेते हैं फर्स्ट। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 और डॉट डॉट कहाँ तक होती हैं, अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट अनंत तक। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सारी संख्याएं इस पूर्ण संख्याओं में सभी संख्याएं हैं, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला नंबर है, तो क्या लिखना है इसमें, सत्य। क्या लिखना है, सत्य। तो क्या कहना है इसमें सत्य में, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये बाकी क्या है, सत्य है। नंबर दो, नंबर दो में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये वाक्य क्या है, असत्य है। अभी असत्य मैंने लिख दिया है, पर मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि
कि हम जानते प्रत्येक पूर्णांक अब अपने पास में, ये अपने पास में पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट और इधर भी डॉट डॉट। ये अपने पास में पूर्णांक संख्या और ये अपने पास में पूर्ण संख्या। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ये वाक्य कैसा है? हाँ, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है परंतु पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो जीरो से स्टार्ट है, इसमें जीरो से इधर की है और फिर माइनस की भी हो रहे हैं। अगर हम देखें कि -3 है तो इसमें कहाँ है -3, तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसमें -2 देखे तो इसमें नहीं है, -1 देखे तो इसमें नहीं है। तो इस तरीका से कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो यह वाक्य क्या है? असत्य है, क्योंकि -2 पूर्णांक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये वाक्य कैसा रहा है? अपने पास में असत्य है। अब देखते हैं हम अगला सवाल देखते हैं, उसमें नंबर 3 में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं? भाई परिमेय संख्या तो -1/2, -3/6, कुछ भी हो सकता है, परंतु पूर्ण संख्या में केवल 0 से लेकर अनंत तक की संख्या आती है। इसलिए ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य भी असत्य है। ये वाक्य कैसा है? असत्य, क्योंकि यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि -3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। -3/5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। -3/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये वाक्य कैसा रहा? असत्य रहा। तो आज इतना ही जो मैंने पढ़ाया इसको ही आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और आज से अपना सिस्टम बिल्कुल लगातार रेगुलर चलता रहेगा। इसलिए आज से अपनी प्रश्नावली 1 को स्टार्ट करना है और फिर प्रतिदिन आपको यानी अपना होमवर्क भी करना है इसमें, और अपने डेली प्रतिदिन सवाल भी करने हैं रफ में, फेयर में। तो इसलिए आज का मैटर इतना ही है, कल से फिर पुनः स्टार्ट करेंगे।